जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग पे। मैं दीपक कुमार, आप लोग के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए मैं साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने साइंस का पार्ट वन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो आइए देरी न करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला सवाल, कोणीय वेग का ऐसी मात्रक क्या है। दोस्तों आपको दो चार सेकंड का समय मिल रहा है, तो आप लोग को जो भी सही आंसर है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा रेडियन प्रति सेकंड। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में किस समूह की राशियां सदिश है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, कार्य ऊर्जा बल, चाल त्वरण वेग, वेग त्वरण बल, ऊष्मा प्रकाश विद्युत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वेग त्वरण बल। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, बर्नौली के सिद्धांत पर, एवोगाड्रो परिकल्पना पर, या संवेग संरक्षण पर। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में किसकी प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है। एल्युमिनियम, इस्पात, रबर, सोना। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, दो चार सेकेंड का समय भी आपको दोस्तों मिल रहा है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इस्पात। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है। चार ऑप्शन आपके सामने, मीटर, डायोप्टर, पास्कल, पार्सेक। दो सेकंड का आपको समय मिला है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डायोप्टर। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नीला रंग प्रकाश का छितराव, लाल रंग प्रकाश के छितराव से होता है। अधिक, कम, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अधिक। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रतिध्वनि का कारण है। अधिक तरंगों का अपवर्तन, ध्वनि तरंगों का ध्रुवन, ध्वनि तरंगों का विवर्तन, ध्वनि तरंगों का परिवर्तन। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए दोस्तों, जो सही आंसर होता है वो कॉमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका सही दोस्तों आंसर होगा ध्वनि तरंगों का परावर्तन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी परमाणु के समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं दोस्तों, जिनकी संख्या बराबर होती है, वो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रक्त का पीएच मान होता है 5.4, 2.3, 7.4, 8.4। दोस्तों इसमें ऑप्शन गलत हो गया है, 5.4 नहीं होगा, 5.0 होगा। इसका सही आंसर होगा 5.0। तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, 5.0। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उदासनीकरण की क्रिया में बनने वाला उत्पाद है क्षारक, क्षार, अम्ल, जल। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए दोस्तों, सही आंसर होगा दोस्तों जल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सबसे कमजोर अम्ल कौन सा है। HBr, HI, HCl, HF। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, दो चार सेकंड का समय भी दिया जा रहा है आप लोग को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों HF। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे शुद्ध कार्बन होता है। ग्रेफाइट, हीरा, कोक, गैस कार्बन। चार ऑप्शन है, तो दो सेकंड का समय है दोस्तों आप लोग, इसका सही आंसर होगा दोस्तों हीरा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कार्बन में समानता रखने वाला तत्व है। फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, सिलिकॉन, नाइट्रोजन। चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिलिकॉन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
निम्न में से कौन से किस्म का कोयला उच्च कोटि का माना जाता है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, एंथ्रासाइट। दोस्तों चार प्रकार का है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एंथ्रासाइट। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जंतु चारकोल प्राप्त होता है, चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, जो भी आपको सही आंसर हो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हड्डियों के भंजक आश्वन से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है, एल्बुमिन, मीन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, कोलेजन। चार ऑप्शन आपको दिया गया है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त का रंग लाल भी होता है और यही ऑक्सीजन को ढोने का कार्य भी करता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, 5, 2, 4, 3। आपको ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 4, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो 4 प्रकोष्ठों में बटा होता है, आलिंद और निलय में। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्न में कौन सा जंतु प्रासुरभ ध्वनि को सुन सकता है? गिलहरी, चूहा, बिल्ली, चमगादड़। चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। इसका सही दोस्तों आंसर होगा चमगादड़। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों, मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है दोस्तों 46, और पुरुष और स्त्री में 22 जोड़े क्रोमोसोम जो होते हैं समान होते हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है दोस्तों, आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस जो होती है वो निर्मुक्त होती है यानी उत्पन्न होती है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी, नीम, लौंग, ताड़ या पाम। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दालचीनी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। उसकी आधी शाखाओं का नाश, उसकी छाल का नाश, सभी पत्तियों का नाश, उसकी पत्तियों में से आधी का नाश। तो इसका सही आंसर होगा उसकी छाल का नाश। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ी की चोटी पर ले जाया जाता है तो वहाँ उसका आवर्तकाल? चार ऑप्शन आपके सामने दिया है, घटेगा, बढ़ेगा, परिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पानी के तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म करने से उसके आयतन में कौन सी क्रिया होगी? इसमें चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो सूर्य के प्रकाश में दोस्तों 7 रंगों का मिश्रण होता है, जो होता है बैजानी, हापी, नाला, जो आप लोग पढ़े होंगे, बैगनी, जामुनी, हरा, नीला, लाल, पीला। तो आप लोग दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।